हेलो गाइज, वेलकम टू शाज कार एंड बाइक्स। टोयोटा कंपनी ने अपने क्रोला के सारे वेरिएंट्स की फेसलिफ्ट कुछ दिन पहले कराची में की है। तो आज इस वीडियो में हम टोयोटा अल्टस ग्रैंडे 1.8 2018 के बारे में बात करेंगे। तो चलिए पहले टोयोटा ग्रैंडे के डिजाइन के बारे में बात कर लेते हैं। टोयोटा ने इस गाड़ी के फ्रंट और रियर पे कुछ चेंजेस किए हैं, तो आप स्क्रीन पे इन चेंजेस को देख सकते हैं। टोयोटा ने इस कार के अंदर इसके इंटीरियर में भी चेंजेस किए हैं, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इसके इंटीरियर के अंदर बहुत ज्यादा फर्क है। इसके जो एसी के वेंट्स हैं, टोयोटा ने इसे गोल कर दिया है। पहले ये एसी वेंट किसी और डिजाइन के थे। तो चलिए इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर के बारे में बात कर लेते हैं। इस गाड़ी के अंदर आपको ABS ब्रेक्स मिलती हैं, EBD मिलता है एंड BA मिलता है। आपको ABS और EBD का तो पता होगा, लेकिन आपको BA का नहीं पता होगा। BA ये काम करता है जब आप गाड़ी की ब्रेक्स लगाते हैं तो ये ब्रेक्स पे ज्यादा फोर्स डालता है, ताकि जो आपकी गाड़ी है वो कम से कम आगे जाए। इस गाड़ी के अंदर आपको ELR भी मिलता है। ELR का मतलब है इमरजेंसी लॉकिंग रिट्रैक्टर। ELR ये काम करता है कि जब आप अपनी गाड़ी पे अचानक ब्रेक्स लगाते हैं तो ये आपके सीट बेल्ट को लॉक कर देता है, ताकि आप आगे ना जाएं। इस गाड़ी के अंदर आपको दो एयरबैग्स भी मिलते हैं, जो एक ड्राइवर की साइड और दूसरा पैसेंजर की साइड भी है। इस गाड़ी के अंदर आपको इमोबिलाइजर भी मिलता है, जिससे आपकी गाड़ी चोरी नहीं होती। तो चलिए मैं आपको इस गाड़ी के कुछ हाईलाइटेड फीचर बता देता हूँ। इस गाड़ी के अंदर आपको क्रूज कंट्रोल मिलता है। क्रूज कंट्रोल ये काम करता है कि जब आप किसी लंबे सफर पे जाते हैं, जो आपकी टांगे हैं वो थक जाती हैं, तो आप अपने रेस पे पाँव नहीं रखना चाहते, तो आप इसे क्रूज कंट्रोल को ऑन कर दें। जितनी रेस आप रखना चाहेंगे उतनी रेस पे जाके इसे ऑन कर दें, तो ये उतनी रेस ऑटोमेटिक गाड़ी को देता जाएगा। तो जब आपको लगेगा आपकी टांगे अब ठीक है, तो आप दोबारा रेस पे पाँव रखें तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। इस गाड़ी के अंदर आपको पैडल शिफ्टर भी मिलता है। ये पैडल शिफ्टर आपको स्टीयरिंग के पीछे मिलता है। ये काम करते हैं कि ये आपके गियर्स को ज्यादा और कम करते हैं बस एक बटन के थ्रू। इस पैडल शिफ्टर के थ्रू आप कम वक्त में ज्यादा गियर्स लगा सकते हैं। और इस गाड़ी के अंदर आपको पिछली सीट्स के अंदर चाइल्ड एडजस्टमेंट सीट भी मिलती है, जो ये काम करता है कि अगर आपका बच्चा छोटा है उसकी सीट आप पीछे सेट कर सकते हैं। इस गाड़ी के अंदर आपको पुश स्टार्ट बटन का भी ऑप्शन मिलता है। इस गाड़ी के अंदर आपको सनरूफ और मूनरूफ दोनों मिलते हैं। तो ये इसके कुछ हाईलाइटेड फीचर थे। तो चलिए मैं अब आपको इस गाड़ी की कीमत के बारे में बता देता हूँ। तो आप स्क्रीन पे इस गाड़ी की कीमत देख सकते हैं। जो इसका मैनुअल वेरिएंट है उसकी कीमत 24,23,500 है, और जो इसका CVT वेरिएंट है उसकी कीमत 25,73,500 है। टोयोटा ने भी इसकी कीमत 1 से 1.5 लाख ज्यादा कर दी है। इसलिए मैं आपको अपना पीने दे देता हूँ। अगर मेरे पास 30 लाख हुए तो मैं ये कार खरीदूंगा कि नहीं। तो अगर इसका कंपैरिजन होंडा सिविक से किया जाए, तो होंडा सिविक का डिजाइन आपको बहुत प्यारा मिलता है, तो मैं डेफिनेटली होंडा सिविक को प्रेफर करूंगा। तो मैंने 30 लाख इसलिए बोले थे क्योंकि इसका जो CVT वेरियंट है उसकी कीमत आपको 25,73,500 मिलती है। तो जब इस पे टैक्स वगैरह लगेंगे तो ये 27 के करीब हो जाएगी, तो इसलिए मैंने 30 लाख बोले हैं। तो गाइस, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।